नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद देहात की, जहां पर विकास न होने पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने की बात कही है। जी हां, मामला गांव हिरणखेड़ा का है, जहां पर ग्रामीणों ने आज रोष जताते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी ग्रामीण मतदान नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? मैं भानु प्रताप सिंह। क्या मामला है आपके गांव का? मामला यह था, 25-30 वर्षों से हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का ये मुख्य रास्ता है और गणेशपुर से होते हुए ये कोसी के पुल हाईवे से जोड़ता है। इस पर सेफनी, रोंडा, झोंडा, जगरमपुरा और भीतखड़ा होते हुए हिरणखड़ा से निकलते हैं। ये रास्ता आज तक किसी भी सांसद, किसी भी विधायक, किसी भी जिला पंचायत के सदस्य ने या ब्लॉक के अधिकारी, जनपद के अधिकारी, किसी ने भी हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया। हमने बहुत समय से इसकी मांग उठाई है। कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। बाढ़ आती है तो हमारे गांव के करीब 3 बच्चे डूबकर इसमें जो है अपनी जान खो चुके हैं और लंबे अरसे से हमारी मांग है। और जब तक हम जिला प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को ये ऐलान करते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारी ये सड़क पूरी नहीं होती है, तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गांव में कोई भी नेता किसी प्रत्याशी के साथ या कोई प्रत्याशी को लेकर आते हैं, गांव में नहीं घुसने देंगे। पहले रोड, उसके बाद में वोट, और अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम वह करते रहेंगे। और हम सभी ग्रामीण एकजुट हैं और हम जो है जब तक आराम से नहीं बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारे गांव में सफाई कर्मी 2 नियुक्त हैं और कई महीने से नहीं आ रहे हैं, सालों से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में कोई, हमने लिखित में शिकायत दी है, उस पर कोई अमल नहीं किया। और हमारे जो भीतखड़ा में हमारे गांव से जब घुसते हैं तो 1-1 फीट पानी वहां रोड पर भरा रहता है। कई बार हमारे गाँव के बुजुर्गों ने और सम्मानित लोगों ने और काफी उस पर जो है प्रयास किया, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर सुनने को और आने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी के अलावा हम किसी की बात नहीं मानेंगे और हम गांव में किसी भी नेता को, प्रत्याशी को घुसने नहीं देंगे। ये हमारा वचन है और हमारा ऐलान है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी ये रोड नहीं बनेगी, तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और हम वोट चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेरा सत्यवान सिंह नाम है। क्या मामला आपके गांव का? हमारे गांव का हिरणखेड़े से और रामपुर रोड जो संपर्क मार्ग है, हाईवे, बीच में 2 किलोमीटर कच्चा है। कई सालों से यहां प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सांसद जी से कई बार कहा, उनके एप्लीकेशन काफी बड़ी है, और डीएम साहब से भी कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आश्वासन देते रहे लेकिन काम पूरा नहीं किया। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारी ये रोड पड़ जाए, तभी वोट होगा। जब तक वोट नहीं होगा।